कटिंग शुरू है, बस सामने पकड़े वाले भी आ रहे हैं। चाय पियेंगे लोग, क्या पिलाना चाहते हैं? इतनी दूर से 38 दिनों के बाद आज बहन पहुंची जगदीशपुर और अभी आगे अयोध्या की तरफ बढ़ती जा रही है। बाद में भैया जी मिले। राम राम भैया जी, आपके शुभ नाम भैया जी। मुन्ना त्रिवेदी। कैसा लगा एक बहन जो आज 38 दिनों के सफर पे? सौभाग्य का दिन क्या हो सकता है कि प्रभु राम के दर्शन के लिए लोग आतुर हैं जी, और बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं जी, और भूखे प्यासे आ रहे हैं। रास्ते में राम भक्तों की सेवा, हम जैसे आप जैसे लोग जी का सम्मान करते हैं जी, सेवा में आगे तत्पर हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और भाई कैसा लगा आपको? आपने कभी राम जी के दर्शन करने गए? गए थे, बीच में गए थे। कैसा लगा आज ये बहन को देख के? क्या आपको मतलब संदेश मिला? बहुत अच्छा संदेश मिला। 38 दिन से वो पैदल चल रही हैं भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए, है ना? बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पूरा देख सकते हैं, पूरा लोग स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए। और मैं भी जैसे पता लगा वैसे पहुँचा, और जगदीशपुर से ये जो टोल स्टार्ट होता है अयोध्या वाला, यहीं पर हमने मिल के स्वागत किया। कैसा लगा ये प्रयास आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय सियाराम।